एग्जिस्टेंस पंजाब की, अस्तित्व हमारा, ये सब दांव पे लगा हुआ है। एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की बहुत सोच समझ कर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने भाया, और आज तीसरी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है, और यहाँ मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर या उसके हक पर खड़ा होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे और नौजवान पंजाब को वोट डालेंगे। सिद्धू साहब, लास्ट टाइम यू वॉन बाय 40,000 सीट, सो दिस टाइम द कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी टफ सर। हु टोल्ड यू अंग्रेजी बोल, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राइट नाउ ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते। वो भय है, वो डर है, और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया, लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहेगा।